तुम लोग को तो आज हम लोग बहुपद के विषय में जानेंगे। ये जो है दसवीं कक्षा का गणित का जो है दूसरा चैप्टर है, एक्सरसाइज ये सेकंड है। इसमें जो है 20 मार्क्स रहेंगे, लेकिन सिर्फ दूसरा अध्याय से नहीं, बल्कि दूसरा अध्याय के अलावा जो है इसमें तीसरा, चौथा और पांचवा अध्याय भी इंक्लूड होगा। तो निश्चित रूप से अगर चार या पांच अध्याय इसमें जुड़ा हुआ है तो ये 5 मार्क्स अपने साथ अवश्य रखेगा। तो 5 मार्क्स के रखने के लिए हम लोग देखेंगे कि बहुपद के विषय में हम लोग जानेंगे। इसमें मात्र 2 से 3 अध्याय पढ़ना है, केसी सिन्हा और एनसीईआरटी दोनों से। मैं सबके विषय में बताऊंगा कि केसी सिन्हा को कैसे सॉल्व करना है और एनसीईआरटी को किस प्रकार से सॉल्व करना है। तो आज हम लोग जानेंगे बहुपद। ये बीजगणित का एक हिस्सा है, बीजगणित का यानी अलजेब्रा का, और अलजेब्रा का हिस्सा होने के नाते इसमें जो सबसे पहले डेफिनेशन के रूप में हम लोगों को जानना है कि बहुपद आखिर है क्या। मैं यहाँ पर 4 डेफिनेशन का जिक्र किया हूँ। निश्चित रूप से जो भी बच्चे देख रहे होंगे और जो क्लास में अभी उपस्थित हैं, वो सभी जो है ये चारों को जान रहे हैं। इसलिए चूँकि ये किसी ने ये जाना, किसी ने ये जाना, किसी ने ये और किसी ने ये, इन सबको अगर हम लोग एक साथ देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बहुपद के कैरेक्टर हो जाएंगे, यानी कि बहुपद के गुण। तो सबसे पहला है कि चर और अचर के संग्रह को बहुपद कहते हैं। मेरे ख्याल से समझना होगा कि ये चर क्या है और अचर क्या है। जब कोई एक्स वाई जेड ए बी सी, जिसको डिफाइन ढंग से नहीं कर सकते हैं, ये सभी हो गया चर। और अचर इसके साथ अगर 3 लग गया, 2 लग गया, 5 लग गया, 6 लग गया, 7 लग गया, तो जो इसके साथ अंकिक गुना है वो हो जाता है अचर। यानी अगर किसी बहुपद को हम लोग ये लिख सकते हैं कि 3x + 2y, तो ये जो x है ये चर है और ये जो 3 है ये है अचर। तो इसी को कहते हैं कि चर और अचर के संग्रह को क्या कहते हैं, बहुपद। बात करते दूसरा डेफिनेशन का कि बहुपद एक विशेष प्रकार का बीजीय व्यंजक है। निश्चित रूप से हम लोग बहुपद अगर पढ़ते हैं तो अलजेब्रा का जितना भी इसमें है समूह, वो सब बहुपद के अंतर्गत आता है। वो अगर हम लोग प्रकार अभी देखेंगे तो उसमें समझ में आ जाएगा कि जितना अलजेब्रा है वह बहुपद से ही शुरुआत होता है, तो बहुपद से बाहर अलजेब्रा हो ही नहीं सकता, तो ये उसी का मतलब है। तीसरा है चर अचर के गुणांक, यानी चर अचर के गुणांक हो गया, गुणनफल हो गया, तथा यानी कि ये हो गया चर और ये हो गया अचर, तो इसके गुणांक तथा ऋणात्मक घातांक जोर घटा गुणा की क्रिया वाले बीजगणितीय व्यंजक को बहुपद कहते हैं। चौथा बात करते हैं, वह बीजीय व्यंजक जिसका घात एक पूर्ण संख्या हो उसे बहुपद कहते हैं। लेकिन यहाँ पर ये बात को थोड़ा सा समझना होगा कि ऋणात्मक के जगह और ऋणात्मक होना चाहिए कि और ऋणात्मक घातांक, चूँकि अगर घात इसमें माइनस हो जाएगा तो फिर नहीं, जो है अगर और ऋणात्मक होगा तब हो जाएगा। चौथा बात करें, और वह बीजीय व्यंजक जिसका घात एक पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या मतलब 0, 1, 2, 3, 4 इत्यादि, तो जैसे कि x 3x पे पावर अगर 0 है तो ये भी होगा, और 3x पे पावर 1 है तो रैखिक हो गया, 3x पे पावर 2 है तो द्विघात हो गया, तो इस तरह से ये बहुपद होगा। हम लोग बहुपद के प्रकार की बात करते हैं, घात के आधार पर रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात। रैखिक बहुपद का मतलब होता है कि जिस पर अधिकतम घात 1 हो, जैसे 3x + 2y + 5 ऐसा कोई पद होगा, तो इस पर चूँकि घात यहाँ पर मैक्सिमम 1 है, कुछ नहीं है, तो इसका मतलब 1 है, तो इसको क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद। द्विघात बहुपद में जिसका अधिकतम घात 2 हो, अधिकतम मतलब ये हो गया कि 6x² + 5x + 2y, तो ये जो एक्स स्क्वायर है ये अधिकतम घात है। अब यहाँ पर 1 घात है तो इसका अर्थ ये नहीं कि ये रैखिक बहुपद हुआ, लेकिन अधिकतम घात यहाँ पर 2 है, इसलिए यह क्या हो गया, द्विघात बहुपद। बात करते हैं त्रिघात बहुपद का, कि जिसमें अधिकतम घात कितना हो, 3 हो, तो इसको क्या कहेंगे, त्रिघात बहुपद। तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि 4 घात बहुपद 5 घात बहुपद? तो नहीं, मतलब मूल रूप से देखा जाए तो 3 ही है रैखिक बहुपद,
द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद, इसको तो हम लोग पढ़ेंगे ही। द्विघात बहुपद का चैप्टर भी हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी में चौथा अध्याय में, ये एक्सरसाइज चौथा में हम लोग इसको पढ़ेंगे। तीसरा में रैखिक बहुपद के विषय में पढ़ेंगे और पांचवा तो खैर अलग ही जो है चैप्टर है, उसको हम लोग विशेष रूप से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के रूप में देखेंगे जो बड़ा ही मज़ेदार होगा। अब बात करते हैं पद के आधार पर बहुपद के कितने प्रकार, तो पद के आधार पर चार प्रकार। एक पदी, अगर जिसका एक पद हो वह एक पदी, द्विपदी जिसका दो पद हो वो द्विपदी, त्रिपदी जिसमें तीन पद हो वह त्रिपदी, और शून्य बहुपद जिसका पद शून्य हो, घात शून्य हो, उसको क्या कहेंगे, तो शून्य बहुपद। तो इस तरह से बहुत ही सरल है, बहुत बड़ा जो है डेफिनेशन याद करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि सिर्फ इसी के आधार पर अगर हम लोग देखेंगे तो आसानी से सीख पाएंगे बहुपद क्या है, इसका डेफिनेशन हो गया, इसके प्रकार हो गए। अब हम लोग इस पर जो है एक्सरसाइज में जाएंगे और एक्सरसाइज में सॉल्व करेंगे तो बहुत ही सरलता से हम लोग इसको जान पाएंगे। तो जैसा कि एक्सरसाइज की अगर हम बात करते हैं कि एक्सरसाइज में क्या ये है, तो दूसरा 2.1 से हम लोग शुरुआत करेंगे एनसीईआरटी से। केसी सिन्हा में भी इसको देखना है और केसी सिन्हा को मूल रूप से प्रैक्टिस के क्षेत्र में लाना है। देखिए किताब, इसमें दूसरा अध्याय है एनसीईआरटी से 2.1। इसमें हम लोग को ये जानना है कि शून्य ज्ञात करने के लिए एकमात्र सवाल है 2.1 का ये वाली, और इसमें चार जो है छः जो है दिया हुआ है, और इसमें ये पूछा जा रहा है कि इसके प्रत्येक स्थिति में शून्य को ज्ञात करना है। तो शून्य किसे कहते हैं, मैं पहले देख लेता हूँ बच्चे लोगों से कुछ जानकारी, कोई सॉल्व करके आए शून्य क्या? एक वास्तविक संख्या का बहुपद पी एक्स का शून्य, तो इसके विषय में बताओ कि इसका क्या शून्य होगा। ये एक ग्राफिक रचना है और ये एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, तो इसका शून्य के विषय में क्या कहना है? मतलब तो डेफिनेशन वाली बात हो गई ना, शून्य इसके विषय में क्या कहना है कि इसके शून्य होंगे, एक होंगे, दो होंगे, नहीं होंगे, क्या होंगे, बताना है इसमें। इसको पढ़े होगे ना, और कोई इसको प्रयास करना है कि क्या इसके शून्य होंगे या नहीं। एनसीईआरटी ये बस बहुत छोटा चैप्टर है, इसको हम लोग चाहें तो आज ही समाप्त कर ही लेंगे इसको। कुछ तो करके आए होगे, नहीं? क्या इसके शून्य होंगे या नहीं होंगे, यही जानना है। और भी एक रचना दिखाते हैं ताकि तुलना करके समझ में आएगा। ये एक्सरसाइज 2.1 है एनसीईआरटी से, क्या इसके शून्य होंगे, इसके विषय में क्या बताना है। जैसे ये एक ग्राफिक रचना है एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, तो बताना है इसके विषय में बताना है, दोनों से तुलना समझ में आएगा तब। एक तीसरा ये है ये बहुत ही सरल है, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। चौथा ये है, अब समझ में आएगा मेरे ख्याल से, कोई बता सकते हो कुछ, कोई भी ट्राई करो, गलत सही जो हो। आखिर ये प्रश्न पूछा जा रहा है किसी बहुपद पी एक्स तथा के लिए y बराबर पी एक्स, ग्राफ के नीचे दिया हुआ है y बराबर
पी एक्स। तो नीचे दिया गया प्रत्येक स्थिति में पी एक्स के शून्य ज्ञात कीजिए। अच्छा ज्ञात करना है, संख्या भी ज्ञात करना है कि एक है दो है या नहीं है, इस विषय को हम लोग को जानना है कि शून्य है तो कितने हैं, नहीं है तो कितने हैं। ये बड़ा सरल है और अभी का। हाँ बोलो। और ये एक नहीं होगा, शून्य नहीं होगा, तो इसका क्या होगा? हाँ, क्योंकि यहाँ पर यही चीज को समझना है ना, जो एक्स एक्सिस को काटेगा वो जितना जगह काटेगा उतना उसका शून्य होगा। सीधा सरल मतलब है कि एक्स एक्सिस को जितना जगह, क्या एक्स एक्सिस को ये काटा है कहीं पे? नहीं काटा, मतलब इसका शून्य जीरो, ये हो गया नहीं। इसको कितने जगह काटा है? एक, तो इसका शून्य हो गया एक। इसको कितने जगह काटा है? तीन, वन टू और थ्री, है ना, तो तीन। इसका एक दो तीन चार, समझ में आ गया? चैप्टर समाप्त। कि दूसरा 2.1 का एनसीईआरटी से हम लोग ने चैप्टर को समाप्त कर लिया कि यही मात्र पढ़ना है। इसमें 6 ग्राफिक दिया हुआ था, 4 हम लोगों ने सॉल्व किया, 2 आप लोग देख लोगे। इसके अलावा जो सबके लिए है, दो दशमलव दो में हम लोग चले, 2.2 के लिए हम लोग देखते हैं। 2.2 के लिए सबसे पहले हम लोग ये कुछ जो है सूत्र को हम लोग फॉलो करेंगे कि 2.2 में जो सूत्र है वो हम लोगों के लिए कितना कारगर होगा ये देखेंगे। तो 2.2 में अल्फा बीटा और गामा हम लोगों को मिलने वाला है। इसमें कुल चैप्टर पढ़ना हम लोगों को 2.2 और 2.3, 4 भी है लेकिन वो ऐच्छिक है, खैर उसको भी हम लोग जान लेंगे। तो 2.2 में देखते हैं कि क्या क्या फॉर्मूला है। तो सबसे पहले फॉर्मूला आ जाता है कि अगर द्विघात समीकरण, तो यहाँ भी हम लोग नहीं देख रहे हैं फिर भी, तो इसके लिए अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाय ए। इसके अलावा इसमें हम लोग एक नया चीज जानेंगे त्रिघात के लिए, ये तो द्विघात के लिए हुआ, त्रिघात के लिए क्या होता है? तो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू जीरो। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसका भी फॉर्मूला होता है माइनस बी बाय ए। अल्फा माइनस डी बाय ए, ये फॉर्मूला नोट कर लेना है। क्या हो रहा है मुबसिर, कहाँ आए? ध्यान से बिना शोरगुल किए जो है इसको उतार लेना है। हम लोगों का टारगेट रखना है कि कल तक में ये दूसरा अध्याय समाप्त कर ले।
हो गया। इसको हम लोग आगे बढ़े चैप्टर की ओर। हो गया ना, इसमें है कि एक नंबर में जो है कुल 6 सवाल दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, या दूसरा नंबर ध्यान से देखना है 4s स्क्वायर 4s प्लस 1, इसी तरह से तीसरा 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x, चौथा 4u स्क्वायर प्लस 8u, पांचवा टी स्क्वायर माइनस 15, और छठा 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। हम लोग से पूछा क्या जा रहा है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्याकों तथा गुणांकों के बीच संबंध स्थापित कीजिए। तो सबसे पहले इसमें हम लोग को शून्य ज्ञात करने कह रहा है और इसके बीच एक संबंध भी बताने के लिए कह रहा है कि ये, तो इसको हम लोग पहला नंबर को ही सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले तो हम लोग गुणन खंडन पढ़े थे नाइन्थ क्लास में हम लोगों ने गुणन खंडन पढ़ा कि उसमें कि हम लोग इसको गुणन खंडन कर सकते हैं। जैसे 8 है तो 8 को इस प्रकार से तोड़ना है कि जो है माइनस 2x होना चाहिए, मतलब दो भाग में, या यूँ कह दे कि 2 को लिखने का तरीका चेंज कर दे, 4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। अब 4 से 2 घट गया तो कितना हो गया, माइनस 2, और 4 दूनी 8 माइनस 8x स्क्वायर। तो इसको हम लोग अब क्या करें, इन दोनों में से कॉमन ले लें x, तो x माइनस 4, इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं 2, तो x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0, ये आ गया। अब यहाँ से हम लोग देखें कि x बराबर माइनस 2 और x बराबर माइनस 4, सॉरी इसको इस तरह से देख लें, x बराबर माइनस 2 हो गया, x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x बराबर 4। अब सवाल है कि इसकी जांच कैसे करें। तो हम लोगों ने अभी फार्मूला लिखा था द्विघात के लिए, क्या कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय ए। अब ये जो शून्यक है यही दो जो है अल्फा और बीटा है, यानी अगर अल्फा की जगह हम लोग माइनस 2 रखें और बीटा की जगह क्या रखें, 4 रखें, तो B इसमें कौन होगा, ये A, ये B, ये C, ये इसके सामने जो गुणांक है वो A कहलाता है, इसके ये जो चर है इसके सामने जो गुणांक है ये माइनस 2 होगा और ये माइनस 8 C होगा। तो B के जगह क्या रखें हम लोग, माइनस 2, और A के जगह इसका गुणांक कुछ नहीं है तो क्या है, 1। अब इधर सॉल्व करें, 4 में से 2 घट गया तो कितना हो गया, 2 माइनस माइनस प्लस 2 बराबर हो गया। यही हम लोगों को जांच करना था, है ना, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, अल्फा की जगह क्या रखा तो माइनस 2, बीटा की जगह 4, और उसके बाद हम लोगों ने फार्मूला को प्रूफ करने का प्रयास किया कि बी की जगह यहाँ से क्या ले लेंगे, तो बी की जगह ये है ए बराबर 1, बी बराबर माइनस 2 और सी बराबर माइनस 8। तो बी की जगह क्या लिया, माइनस 2, और ए के जगह पर फिर 1, और इस तरह से हम लोगों ने सॉल्व किया। अल्फा इंटू बीटा को भी इसको देख सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है, सी बाय ए, अल्फा की जगह हमारे पास क्या है, माइनस 2, और बीटा की जगह 4, सी कितना है तो माइनस 8 और 1। अब इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस 8 बराबर माइनस 8, यही इसका क्या हो गया, जांच। तो इस तरह से हम लोग इसमें से 6 सवाल को बना सकते हैं, बहुत सरल है, कोई भी सवाल को लेकर के हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर 1 से लेकर के 6 तक इसी तरीके से बनाना है। अगर इसमें कोई दिक्कत होगा तो इसके लिए सभी को ध्यान रखना है कि हम क्या बोल रहे हैं। अभी जिनके पास एंड्रॉयड सेट है वो टेलीग्राम नाम का ऐप डाउनलोड कर लेंगे। टेलीग्राम नाम का ऐप जैसे ही डाउनलोड करेंगे उसके बाद क्या होगा कि उसमें सर्च करेंगे चाणक्य स्टडी पॉइंट, ये सर्च करेंगे
उसमें जैसे ही उसका ग्रुप आएगा उसमें जो है ज्वाइन कर लेना है, उसमें ऑप्शन आता है ज्वाइन का, ज्वाइन कर लेना है। जैसे ही ज्वाइन करेंगे तो हम लोग इस टीम के सदस्य हो जाएंगे, यानी चाणक्य स्टडी पॉइंट के सदस्य हो जाएंगे, ऑटोमेटिक हो जाएंगे। इसके बाद क्या करना है कि कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसको क्या करना है कि उसमें उसके द्वारा भेजना है, और जैसे हम उसको देखते रहेंगे जो भी प्रॉब्लम होगा उस पर वीडियो भी बना देंगे और क्लास में भी बता देंगे, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों कर देंगे। इसके अलावा एक और काम क्या करना है कि टेलीग्राम से फ़ायदा क्या होगा, फ़ायदा ये भी होगा कि प्रॉब्लम तो शेयर होगा ही, सॉल्यूशन शेयर होगा ही, साथ में साथ इसमें हम टेस्ट भी ले सकते हैं ऑनलाइन। तो कभी कभी ऐसा होगा कि जैसे संडे है, घर में बैठे हुए हैं, तो किसी दिन जो है हम यहाँ से क्वेश्चन फॉरवर्ड कर दें, उसको सॉल्व करना है ऑनलाइन ही, टेलीग्राम के द्वारा ही। तो आप लोग आज ही टेलीग्राम पर क्या करना है कि ऐप डाउनलोड करके ये जो है सर्च करके उसको ज्वाइन कर लेना है। और ये जो मैंने 6 समस्या दिखाया है उसमें से मैंने 1 बताया है, आप इसको बनाएंगे और फिर प्रॉब्लम होगा तो फिर उस पर वीडियो बन जाएगा। तो इस तरह से 2.2 का पहला सवाल बन गया, इसको उतार लेना है। सिर्फ सॉल्यूशन को उतारना, ये तो बुक होगा ही, उसी से देख लेना है, सिर्फ सॉल्यूशन को उतारना है, और इसमें किसी को कन्फ्यूजन है तो पूछ लेना है, बहुत ही सरल है। ये 9th क्लास का ही टॉपिक है, बस इसको हम लोग को थोड़ा सा एडवांस किया गया है 10th में, बस। इधर वाला फिर से देखना है, हाँ ये जांच है, ये उसका हिस्सा है, इसके बिना सवाल अधूरा हो जाएगा। वहाँ लिखा हुआ है ना कि जांच करना है, सवाल को देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। आज ही टेलीग्राम डाउनलोड करके ज्वाइन कर लेना है ताकि जो समस्या हो उसको सॉल्यूशन मिले। ये सभी क्लास को करना है ताकि किसी का भी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है, और सबका जो है टेलीग्राम के द्वारा टेस्ट भी लिया जा सकता है। हो गया। अब जो दूसरा सवाल है वो उतना ही सरल है, आवाज नहीं करना हल्ला, इसमें भी कुल 6 सवाल है, और जैसा कि 1 नंबर है 1/4 और -1। प्रश्न हम लोग को कहा जा रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दिया हुआ है। अब द्विघात समीकरण हम लोगों को बनाना है जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल, योग शून्यक का योग, शून्यक अल्फा और बीटा होगा द्विघात समीकरण का, तो उसके शून्यक का योग का मतलब हो गया